नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस, आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन। और प्यारे बच्चों, कहीं मत जाना, बता दे रहे हैं, प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी और समांतर दोनों संयोजन का हम चर्चा करेंगे। यदि आज आपने ये क्लास अटेंड कर लिया तो आपके कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान से 4 नंबर पक्का हो गए प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले, आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। आखिर बात होती है प्रतिरोधों का संयोजन, क्यों प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता पड़ी। तो गाइस, हम बात करें प्रतिरोधों को जोड़ा क्यों गया, क्योंकि जब हम लोग किसी भी चालक में प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे थे किसी एक प्रतिरोध द्वारा, तो जब ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करना था तो हम लोग प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं, कम प्रतिरोध उत्पन्न करना रहता था तो भी प्रतिरोधों को जोड़ा जाता था प्यारे बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यार कम प्रतिरोध को उत्पन्न करना तो प्रतिरोधों को क्यों जोड़ा जा रहा था, तो उसको भी अभी जैसे ही आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे वैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो फर्स्ट होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और सेकेंड होता है समांतर क्रम संयोजन, और थर्ड होता है मिश्रित क्रम संयोजन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है प्यारे बच्चों। इस बात को गौर से सुन लो, मिश्रित क्रम संयोजन आपके सिलेबस में नहीं है, यानी हमको केवल दो संयोजन पढ़ना है, एक श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ना, एक समांतर क्रम संयोजन पढ़ना। तो भैया हम चर्चा करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। आइए उसके लिए सबसे पहले हम आपको रफली समझाएंगे, फिर बात में चलेंगे। भैया एक को प्रतिरोध ले लेते हैं, भाई प्रतिरोध हमने पढ़ाया है और प्रतिरोध को आपको सिंबल भी दिखाए थे, ये प्रतिरोध हो गए जिसके दो सिरे हो गए, ध्यान से देखिएगा। और अगर हमने कोई दूसरा प्रतिरोध ले लिया भैया, चलो ये कोई दूसरा प्रतिरोध ले लिया, एक का नाम अगर हम R1 रख देते हैं, एक का नाम R2 रख देते हैं, और ये कोई एक तीसरा प्रतिरोध ले लिए, क्या ले लिए भैया, तीसरा प्रतिरोध, ये नाम दे दिया R3, जिनमें दो दो सिरे हैं, इसका भी दो सिरा, इसका भी दो सिरा, इसका भी दो सिरा। अब आप देख लो जरा सा, अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में होता है कि पहले प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा होता है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जोड़ दिया जाता है। आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा, कि इस प्रकार के संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, जो प्रतिरोध का अंतिम सिरा होता है वो आगे वाले यानी दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट होता है, और जो दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा होगा वो तीसरे वाले के पहले सिरे से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या आप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। भैया देखो, ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ये दूसरे वाले का पहला है, तो दूसरा पहले से जुड़ा है, फिर दूसरे का ये दूसरा होगा, तीसरे का पहला होगा, तो दूसरे का जो है पहले से जुड़ा है। तो अगर ऐसा संयोजन आपको कहीं दिखे तो समझ लेना यारो वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि भैया श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, कि इस प्रकार के संयोजन में पहले के प्रतिरोध को दूसरे के वाले प्रतिरोध के पहले भुजा से जोड़ देते हैं, और दूसरे के प्रतिरोध के दूसरे वाले भुजा को तीसरे वाले प्रतिरोध के पहल के भुजा से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आई होप कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा समझ में आई होगी। आइए हम उसको डायग्राम बनाते हैं और उसके लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। आपके व्हाइट बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पे श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। जैसा मैंने आपको समझाया था सेम टू सेम वही परिपथ मैंने बनाया भी है प्यारे बच्चों। अब क्या है, यहां देख पा रहे होंगे कि R1 का जो अंतिम सिरा है, जो दूसरा वाला सिरा है, वो भाई R2 के पहल के वाले सिरे से जुड़े हैं, देख लीजिए। और जो R2 का दूसरा सिरा है वो R3 के पहले वाले सिरे से जुड़े हैं। तो हम लोग जान गए कि ये श्रेणी क्रम संयोजन है, ऐसा प्रोसेस केवल श्रेणी क्रम संयोजन में होता है। तो हमने यहां तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अब तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, साथ में वो तीन प्रतिरोध R1, R2 और क्या है, R3 है, ठीक। अब अगर हम आप देख पा रहे होंगे तो भैया मान लेते हैं R1 के बीच विभव V1 है, R2 के बीच विभव V2 है, और R3 सिरे पर विभव क्या है, V3 है। प्रश्न ये उठता है
प्रश्न ये उठता है प्यारे बच्चों कि ये विभव बट कैसे जा रहे हैं भाई। यहां से तो विभव केवल टोटल विभव क्या मिल रहा है, वी मिल रहा है, तो आखिर वी क्यों बट क्यों गया। भैया ध्यान से देखिएगा, इस संयोजन की दो खास बातें होते हैं, उन खास बातों की हम चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले एक बार परिभाषा को क्लियर करते हैं। इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, दूसरे प्रतिरोध के पहले अंतिम सिरे से तीसरे वाले के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। एक बार फिर से भैया मैंने क्या बोला, इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे को तीसरे के पहले से जोड़ दिया जाता है। अब इस संयोजन की खास बात क्या है प्यारे बच्चों, यदि आपको श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा चाहिए तो आपके वो स्क्रीन पे लिखा लिखान दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं, या तो मैंने जो बोला है आप वहां से नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इस संयोजन की जो खास बातें हैं वो क्या है, पहली खास बात यह होती है कि जो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा होती है वो समान होती है, यानी धारा का मान पूरे परिपथ में कहीं भी नहीं बदलती, देख लीजिए आप। अब गाइस ध्यान से देखिएगा, यही दो खास बातें हैं, एक इस संयोजन में प्रवाहित धारा समान होती है और इस संयोजन में प्रत्येक सिरे पे विभव अलग अलग होता है। बात उठता है भैया धारा क्यों समान होती है, ध्यान से देखिएगा, एक आपको एकदम अच्छा सा बढ़िया वाला ट्रिक बता रहा हूं भैया, वो ट्रिक आप चाहो तो नोट कर लो, कोई नहीं बताने वाला है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है, धारा समान क्यों होती, जब धारा ए के पास जाती है, यहां से चलने के बाद आई धारा जब ए के पास जाती है, तो यार धारा को जानने के लिए अगर यहां से कोई दूसरा मार्ग खुला होता, बिंदु ए से जाने के लिए, बिंदु ए से डी तक जाने के लिए धारा के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इसलिए इस जो धारा होती है वो सभी जगह समान रूप से प्रवाहित होती है। यदि प्यारे बच्चों यदि अगर ये धारा को जाने के लिए कोई यहां ए से दूसरा मार्ग उपलब्ध होता तो सभी जगह धारा समान रूप से बहती नहीं। अब आप बताओ आई को ए से डी तक जाने के लिए खाली एक रास्ता उपस्थित है, खाली एक मार्ग उपस्थित है, तो बताओ धारा का मान समान रूप से ही बहेगा ना। अगर भाई मैंने कहा कि ये रास्ता जैसे जैसे एक ही रास्ता है, तो जैसे राम उस रास्ते से गया होगा वैसे आप भी उस रास्ते से जाएंगे, वैसे ही उस रास्ते से सब लोग जाएंगे ना। अगर उस रास्ते में दो तीन ब्रेकर पड़ते हैं तो तीन जगह अगर बाइक स्पीड कम हो रही तो भैया सबको तीन जगह बाइक की स्पीड कम करनी पड़ेगी, इसलिए धारा को जाने के लिए एक मार्ग उपलब्ध है, इसलिए भैया धारा का मान क्या होता है, समान होता है। दूसरी बात करें जो विभव होता है, ये जो V1 और V2 और V3 ये क्यों अलग अलग हो जाता है भैया बताएं, क्योंकि जो विभव होता है वो देखिए यहां A और B था, A और B, अगर A और B है अगला B और C है अगला C और D है, यानी बिंदु बदल जा रहे हैं प्यारे बच्चों, और बिंदु बदलने के कारण विभव भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यदि बिंदु नहीं बदलते तो विभव भी बदलता नहीं, यानी अगर A से B यहां है अगला भी A से B होता अगला भी A से B होता तो विभव भी समान होता प्यारे बच्चों, परंतु यहां पर बिंदु बदल जा रहा है, एक बार A से B है एक बार B से C है एक बार C से क्या है D है, तो बिंदु बदलने के कारण विभव भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। अब हम इसके फार्मूले की उत्पत्ति करेंगे, तो भैया शुरुआत यहीं से करेंगे कि परिपथ में कुल विभव जो V है वो V1 V2 और V3 में बढ़ गया तो इन्हीं के योग के बराबर होगा, तो यहीं से शुरुआत करते हैं डेरिवेशन की। एक अब सबका मान उठा के केवल यहीं पर रख देना बस। तो गाइस ध्यान से लिखिएगा, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, अभी जस्ट पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ओम के नियम का चर्चा किया था, यदि आपने नहीं देखा तो आप वो क्लास जाके जरूर देखिएगा। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I इंटू R, ठीक। अगर मुझे V1 चाहिए तो भाई V1 किस पे है, R1 है, तो R1 सिरे पर विभव
तो भाई R1 सीरीज पे जो विभव है वो कौन है? V1 है। देख पा रहे होंगे चित्र में, R1 सीरीज पर विभव V1 है। प्रवाहित धारा तो वही है, इसी फार्मूले से निकालेंगे, प्रवाहित धारा I है, परंतु प्रतिरोध R नहीं है बल्कि कौन है भैया? R1 है। कोई दिक्कत? ऐसे ही हम किस पे निकालेंगे? R2 सीरीज पे। किस पे निकालेंगे प्यारे बच्चों? R2 सीरीज पर विभव। अगर हम बात करें R2 सीरीज पे विभव, तो भैया ध्यान से देखिए, R2 सिरे पे विभव कौन है? V2 है। तो भैया V2 बराबर, प्रवाहित धारा तो वही है, समान है, परंतु प्रतिरोध इस बार R1 के बजाय कौन है? R2 है। ऐसे ही अगर हम R3 सिरे पे निकालेंगे, तब R3 सिरे पर जो विभव आएगा वो क्या आएगा प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, तो R3 सिरे पे विभव कौन है? V3 है। प्रवाहित धारा वही है I, परंतु प्रतिरोध बदल गया, R3 हो गए। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई? तो भैया V1 V2 और V3 का मान समीकरण एक में रखने पर, तो V1 V2 व V3 का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर भैया बता दो जरा सा, समीकरण एक क्या है? यही है ना, V बराबर। तो V के स्थान पे क्या रखना प्यारे बच्चों? I × R रखना है, I × R। फिर V1 के स्थान पे क्या रखना है? I R1 रखना है। फिर V2 के स्थान पे I R2 रखना है। V3 के स्थान पे I R3 रखना है। तो यहां से IR आ गए, यहां से I कॉमन है, तो बचा R1 + R2 + R3। यहां देखिए, I तीनों कॉमन था, I से I कैंसिल हो गए, तो R बराबर क्या आ गया? R1 + R2 + क्या आ गया? R3। इस प्रकार प्यारे बच्चों प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसका व्यंजक आ जाता है, अर्थात ये जो सभी प्रतिरोध है, प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो तुल्य प्रतिरोध R के क्या है? बराबर है। तो प्यारे बच्चों जहां R क्या है? तुल्य प्रतिरोध है। R1 और R2 R3 आपने जो तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा है वो है, ठीक। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के समांतर क्रम संयोजन की। तो गाइस बात करते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आपका समांतर क्रम संयोजन का परिपथ बनाया गया है प्यारे बच्चों, समांतर क्रम संयोजन का परिपथ बनाया गया है। अब इसमें खास बातें क्या है आपको देखिए, इसमें खास बातें ये है कि सभी प्रतिरोधों का जो एक सिरा होता है वो एक बिंदु से जुड़ा होता है, तथा जो दूसरा सिरा होता है वो एक बिंदु से जुड़ा होता है। यानी जब किसी संयोजन में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक बिंदु से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को एक बिंदु से जोड़ दें, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। एक बार आप देख लीजिए फिर से स्वयं प्यारे बच्चों, इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा, ये एक बिंदु से जुड़े हैं, इसका जो दूसरा सिरा है वो भी एक बिंदु से जुड़ा है, ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब इसकी खास बात क्या होता है? इसमें खास बातें ये होती है, मैंने अभी फर्स्ट टॉपिक में जब चर्चा कर रहा था श्रेणी क्रम संयोजन में, तो बोला था भैया जब ए पे जाने के बाद जैसे ही धारा ए तक पहुंचती है तो इसको जाने के लिए इस बार एक मार्ग नहीं केवल तीन मार्ग उपलब्ध हैं। देख सकते हैं यहां ए से पहुंचा, ए से जाने के लिए तीन मार्ग उपलब्ध हो गए, तो भाई धारा अलग अलग हो गई, तीन मार्ग में तीन धारा हो गई। अब जो R1 के पास जा रहा था उनका नाम आपने I1 रखा, जो R2 के पास जा रहा था I2, जो R3 के पास जा रहा था उसका नाम I3। समझ पाए? अब ये तीनों धारा फिर एक जगह जाके मिल जाएंगी और वो धारा आपको क्या मिल जाएगी? I। अब बात आती है विभव की, यानी हम अगर ये पॉइंट लिखना चाहें तो ये पॉइंट यहां लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिख देंगे कि इस संयोजन में, क्या इस संयोजन में, इस संयोजन में धारा जो होता है, धारा का मान समान होता है, सॉरी धारा का मान अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो सेकेंड पॉइंट है प्यारे बच्चों, वो सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि भैया इस प्रकार के संयोजन में जो विभव होता है वो सेम होता है, विभव जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। क्यों होता है?
ये देख लो, हर एक बार आप ए से बी पे ही जा रहे हो, ए से बी ए से बी ए से बी, चाहे जो आप रास्ता पकड़ रहे हो, धारा चाहे जिस रास्ता से गई हो, बिंदु तो नहीं बदल रहे, हर बार बिंदु ए और बी ही है, तो इसलिए इस संयोजन में जो विभव होता है वो क्या हो जाता है, समान होता है। पॉइंट इतना हो गया। अब आइए हम इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला की उत्पत्ति कैसे करें। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें जो ये धारा है वो तीन भागों में बढ़ गई है, तो भैया यहीं से शुरुआत करेंगे। परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा, कुल धारा कौन है भैया, आई है। कुल धारा आई है जो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 के क्या है, इक्वल है, समीकरण नंबर एक मान लिए। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब हम वहां से I का मान ओम के नियम से निकालेंगे। अभी हमने ओम का नियम पढ़ा था, तो वहां मैंने I का फार्मूला निकाला था प्यारे बच्चों। तो ओम के नियम से जो आई होता है वो वोल्टेज और प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है, आई इक्वल टू वी बटे आर। अब मुझे अगर आई इक्वल टू वी बटे आर है, तो मुझे I1 I2 और I3 की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। भैया I1 कौन है, R1 है, तो लिखेंगे R1 सिरे में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, R1 सिरे में प्रवाहित धारा I1 इक्वल टू हो जाएगा I1 बराबर, विभव तो वही है सेम V, परंतु प्रतिरोध कौन है, R1 है। इसी प्रकार अगर हमको R2 सिरे पे चाहिए, तो R2 सिरे पर जो R2 सिरे में प्रवाहित धारा, R2 सिरे में प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा कौन हो जाएगा, I2। प्रवाहित धारा I2 बराबर क्या हो जाएगा, विभव वही है, प्रतिरोध बदल जाएगा, V बटे R2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमको R3 सिरे पे निकालना है, तो R3 सिरे में प्रवाहित धारा क्या, R3 सिरे में प्रवाहित धारा I3, प्रवाहित धारा कौन सा है भैया, I3 है, विभव वही है, देख सकते हैं आपका प्रतिरोध बल्कि बदला है, प्रतिरोध कौन हो गया, R3। ठीक, अब I, I1, I2 और I3 का मान समीकरण एक में रखने पर I, I1, I2 व I3 का मान समीकरण एक में रखने पर, अब गाइस अगर आप समीकरण नंबर एक आप देख रहे होंगे, तो ये है I के स्थान पे हमको क्या रखना है भाई, V बटे R रखना है, V बटे R। I1 के स्थान पे देख रहे होंगे तो V बटे R1 रखना है, I2 के स्थान पे क्या रखना है, V बटे R2 रखना है, और I3 के स्थान पे क्या रखना है, V बटे R3 रखना है। चलिए देखिए, तो इधर वाले पक्ष में V V V कॉमन है, तो V कॉमन लेंगे तो 1/R1 बचेगा, 1/R2 बचेगा, और 1/ क्या बचेगा, R3 बचेगा। ये जो V है इस V से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3। इस प्रकार प्यारे बच्चों समांतर क्रम संयोजन का क्या है, व्यंजक प्राप्त हो जाता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इससे यह निष्कर्ष निकलता है प्यारे बच्चों कि समांतर क्रम संयोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध यहां क्या है, आर है। ठीक, समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, क्योंकि बटे में है ना, तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। एक बार फिर से, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़े गए अलग अलग प्रतिरोधों के योग के व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होता है।
तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। यदि आप किसी भी आपके हाई स्कूल के एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि श्रेणी क्रम संयोजन की उत्पत्ति कीजिए, तो आप पिछड़ा वाला हेडिंग लिख रहा है, समांतर क्रम संयोजन की उत्पत्ति कीजिए, तो ये यहां से यहां तक लिखना प्यारे बच्चों। और जब भी आपके एग्जाम में पूछता है प्यारे बच्चों, तो वो हमेशा केवल 4 नंबर का प्रश्न पूछता है, तो इस बात को ध्यान देना कि उम्मीद है कि आज आपने अगर ये दोनों टॉपिक पढ़ा है तो आपके अब एग्जाम में वो 4 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता प्यारे बच्चों। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये आज की जो क्लास है, आज की क्लास में पढ़ाई की सभी चीजें आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल योर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।